प्रकाश की गति से सुई के जमीन से टकराने के क्या परिणाम होते हैं? हर कोई मरता है। यदि गैर शून्य विश्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु, यहाँ तक कि सुई जितनी छोटी भी, निर्वात में प्रकाश की गति से पृथ्वी से टकराती है, तो भौतिकी के नियम टूट जाएंगे और कारणता और ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मुझे ये कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसे बनाया है। लेकिन ये सच हो सकता है, और चूंकि प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए आप मुझे गलत भी साबित नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि प्रकाश की गति वाली सुई इस ब्रह्मांड में और शायद अन्य ब्रह्मांडों में भी मौजूद नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसी कोई सुई अस्तित्व में होती तो मुझे ये कल्पना करना मुश्किल लगता है कि पृथ्वी फट जाएगी। चूंकि सुई की जड़ता अनंत होगी, सुई पृथ्वी की पपड़ी, पृथ्वी के मेंटल और कोर से होकर गुजरेगी और प्रकाश की गति से पृथ्वी के दूसरी ओर से बाहर आएगी और एक छोटा सा छेद छोड़ेगी। शायद वह देर सवेर बंद हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का स्वन्य। अब शायद हमें कुछ भूकंप आ सकते हैं, हालांकि मुझे इसमें संदेह है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि पृथ्वी फट जाएगी क्योंकि पृथ्वी को उस सुई से कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सुई धीमी हो जाएगी और अपनी गतिज ऊर्जा को तापीय ऊर्जा या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदल देगी। और ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की पपड़ी सुई के प्रवेश का विरोध करेगी। इनमें से कोई नहीं। शून्य समय में सुई बस गुजर कर निकल जाएगी और हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ है। अब यदि सुई की गति 0.9999999999 थी तो यह एक अलग कहानी है, क्योंकि उस सुई को पृथ्वी द्वारा रोका जा सकता है और अपनी सारी विशाल मात्रा में गतिज ऊर्जा को ग्राउंड जीरो पर छोड़ा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज प्रेस बेल आइकॉन, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।